उपचुनाव को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में बुधवार को मुंगावली के शहनाई गार्डन में नगर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के उपचुनाव प्रभारी आलोक शर्मा ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बेटों के लिए सिंधिया की कोई बात नहीं सुनते थे, इसलिए आज वह ये दिन देखना पड़ा। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से मंच से ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ नारे भी लगवाए। साथ ही कहा कि भाजपा पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि राम मंदिर का मुद्दा केवल चुनाव के समय याद आता था, मगर आज भाजपा सरकार में ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इन मौके पर राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सिंधिया के लिए पद क्या है, मैं तो अपनी जान तक दे दूं। उन्होंने आगे कहा कि जो कमलनाथ 15 महीनों में नहीं कर पाए, वह शिवराज सरकार ने 15 दिनों में कर दिया। वहीं इस मौके पर कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। इनको जरूरत है सड़क पर उतार कर छोड़ेंगे, तो हम 22 विधायकों ने बैठ कर ये निर्णय लिया कि महाराज जो आपका निर्णय वो हमारा निर्णय है, पर पद तो एक छोटी सी चीज है महाराज, आपके लिए जान भी हाजिर है। एक मिनट लगा था 2200 विधायकों ने एक मिनट में साइन करके दिए कि हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं और अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, और वो भी पद और पद पार्टी के लिए। किसके लिए इस्तीफा दिया साथियों? आप सबके लिए दिया हमने, आप सबके लिए। क्यों कि 5 साल बाद जब हम आपके बीच में जाते और आप हमसे पूछते कि विधायक जी आपको 5 साल का मौका मिला था, आपको 5 साल का मौका दिया था, आपने हमसे कहा था। मध्य प्रदेश का नाकारा निकम्मा बंटाडार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करता है, तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलो, मैं बोलूंगा दिग्विजय सिंह, आप बोलोगे हाय हाय। दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। एक और कलंक ना थे जिसने की पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कलंक लगा दिया है, कलंक नाथ, बोलिए कलंक नाथ, कलंक नाथ, कलंक नाथ, ऐसे कलंक को मध्य प्रदेश से। मुंगावली से भरतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट।